बिलासपुर में छठ महापर्व देश के सबसे बड़े घाट से आप देख सकते हैं तस्वीरें मेरे पीछे। मेरे कैमरा सहयोगी जरा ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे बिलासपुर में ये 7 एकड़ में फैला जो छठ घाट है वो कितना विशाल काय है, कैसे जो है लोग सूर्य को अर्घ देने के लिए यहाँ जमे हुए हैं। आप देखिए ये भीड़, ये स्वरूप, ये रंग, ये रूप, ये तस्वीर, ये सिर्फ विस्तार के कैमरे पर आपको देखने को मिलेगा। और अपनी पूजा, अपनी परंपराओं के हिसाब से छठ महापर्व को लोग निभा रहे हैं बिलासपुर में। सबसे अच्छी बात है कि जरा जूम करके दिखाएंगे तो ये समझ आएगा कि कैसे जो है अरपा नदी के इस विशालकाय घाट पर, अरपा नदी के इस विशालकाय घाट पर जो है पूजा और परंपरा, सूर्य देव को अर्घ देते हुए जो व्रती हैं वो जमे हुए हैं। और सबसे अलग तस्वीर, सबसे अलग रंग, सबसे अच्छी बात है देखिए कितनी सुंदर तरीके से इस छठ घाट को सजाया गया है। चारों तरफ बाजे गाजे और एक अलग तरह का माहौल है इस बिलासपुर में। और ऐसा लग रहा है कि पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार बिलासपुर में उतर आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी परंपरा और इनकी पूजा और ये छठ पर्व जो है लोगों को एक करने का है, लोगों को अपने साथ खड़े करने का है, सूर्य देव की आराधना का है। उस सूर्य देव की आराधना का जिसे सालों से उत्तर जो उत्तरांचल है वहाँ लोग निभाते आ रहे हैं। और उसी की एक वानगी है कि इतनी लंबी भीड़ इन श्रद्धालुओं की आपको सिर्फ हम विस्तार के कैमरे से दिखा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि बाजे गाजे के साथ जो है यहाँ जो लोग हैं वो सज धज कर आए हुए हैं। गन्ने का जो एक तरह से मंडप लगा हुआ है, आप देखिए गन्ने का मंडप पूरा सजा हुआ है। ये पूरा छठ घाट को इस तरह से सजाया गया कि लोग इस घाट पर खड़े हो सके, श्रद्धालु इस घाट पर खड़े हो सके और अपनी पूजा की परंपराओं को निभा सके। उनके हाथों में अग्निदेव है, उनके हाथों में जल की कलश है जिसे वो सूर्य देव को जो है दे रहे हैं। आप देखिए कितना सुंदर, कितना खूबसूरत ये नज़ारा जो है बिलासपुर के छठ घाट का, इससे सुंदर आज कोई दृश्य, कोई रूप, कोई रंग नहीं हो सकता है। देखिए आप ये पूरा मंजर एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं आपको जो है कितना क्रेज है अरपा के छठ घाट पर जो है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, कितना क्रेज है भैया छठ पूजा को लेकर के, छठ पूजा को लेकर कितना क्रेज है बिलासपुर? बहुत ही ज़्यादा क्रेज है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और जो सूर्य देव है उनकी उपासना करते हैं, आप लोग कैसा फील करते हैं? हमें तो यहाँ आकर बहुत ही पॉजिटिव वेव्स का मतलब फील हुआ है। और आप जो व्रती हैं, शायद आप व्रती हैं, कितना अच्छा लग रहा है आपको यहाँ आकर? सर बहुत अच्छा लग रहा है छत्तीसगढ़ में, और सबसे पुलिस मतलब जितने अधिकारी है सब अच्छा व्यवस्था किए हैं। और यहाँ मतलब 5 तारीख से नहाई खाई से चालू है और आज उठते सूरज को अर्घ दिए हैं और कल फिर जब सूरज उठेगी उसका अर्घ दिया जाएगा। गाना वगैरह आता है छठी मैया के लिए, गा दीजिए। वो नहीं आता सर। ये बच्चे, ये देखिए दीदी भी हैं। दीदी कितना क्रेज है छठ को लेकर? बहुत अच्छा है। वैसे तो तैयारी चल रही है आप? ये 5 तारीख से चल रहा है और बहुत अच्छा, ये आगे से उत्सव रहते हैं लोगों का कि मतलब छठ पूजा आता है तो सब दूर दूर से भी लोग देखने आते हैं, बहुत अच्छा पर्व है। भैया आप बताइए कितना क्रेज है छठ का बिलासपुर में? छठ पूजा का क्रेज पूरे बिलासपुर में सबसे ज्यादा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का त्यौहार मतलब शायद ही और कोई त्यौहार होगा जिस प्रकार से भव्य रूप से मनाया जाता है। इस त्यौहार की छठा बहुत ही निराली है, लोग अपने मन्नत करते हैं और मन्नत पूरा होने के बाद लोग इस पूजा का महत्व को समझ के आजकल हर कोई इस परंपरा में आ गया है। और हम बात करते हैं आगे भी, भैया से बात कर लिए, कितना क्रेज है दीदी पूजा को लेकर, थोड़ा बताइए छठ को लेकर? बहुत ज़्यादा अच्छा है, सबके अंदर श्रद्धा भावना है, सब कोई छठ पूजा के लिए आए हैं। कुछ गाना वगैरह आता है छठ मैया का, वो सुना दीजिए छठी मैया के नाम पे। छठ नहीं आता। अच्छा छठी मैया के लिए कोई गाना वगैरह गा दीजिए आप लोग, चलिए आप गाइए भाभी। लाइव है, जल्दी जल्दी। नहीं ये गाइए। बिली बिली बियरिया शीतल दूजे पनिया कर देव देवता तू आगे दर्शनिया। बोलो जय बहुत बढ़िया। देखिए छठी मैया का क्रेज जो है भारत, छठी मैया की जय के जयकारों के साथ जो है यहाँ अलग अलग तस्वीरें अरपा मैया
के छठ घाट पर जो है अलग अलग रूप अलग अलग रंग वो आपको देखने को मिल रहा होगा। हम लोग और कुछ लोगों से बात करते हैं, कितना उत्साह है छठ को लेकर? बहुत खुशी है छठ पूजा का, पहली बार देख रही हूँ। जैसे आई हैं आप? हम यहीं की है, हम यहीं की है। से मना रही है छठ? हम पहली बार मना रहे हैं। पहली बार आई? जय छठ मैया की। इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा, सब तरफ बहुत खुशियाँ लग रही है, सब तरफ दिए देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बिलासपुर में छठ महापर्व जो है बड़ी ही खुमारी के साथ मनाया जा रहा है। अरपा के घाट पर हम खड़े हुए हैं, अरपा के छठ घाट पर, जहां इतने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, जो अरपा के तट पर एशिया के सबसे बड़े छठ घाट पर पूजा अर्चना कर रहे हैं सूर्य देव की। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे जो है वो इस सूर्य देव की आराधना, सूर्य देव की पूजा को कर रहे हैं, कितना क्रेज है छठ को लेकर, कितनी खुश है आप? बहुत खुश है, छठ माँ की कृपा है, हमारे परिवार और बाल बच्चे सब सही सलामत रहे, आदमी इसलिए छठ पूजा करता है। भगवान सूर्य की आराधना करने आई है, आज का क्या महत्व है, आज की क्या परंपरा है? परंपरा बताओ, आज की परंपरा पर बात करें। इसे बोलते हैं कि आज डूबते हुए सूरज को पूजा करेंगे, फिर काल उगते हुए सूरज को पूजा करेंगे, तो एक उम्मीद जगता है कि काल होगा, काल उगते हुए सूरज आएंगे, उनको भी पूजा करेंगे। एक छोटा सा गाना गा दीजिए छठी मैया के लिए। मैं नहीं जानती, छठी मैया के लिए एक छोटा सा गाना गा दीजिए। मेरे को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। अच्छा, बच्चे भी हैं, देखिए बच्चे भी, इनमें भी खासा उत्साह है। बेटा कहाँ से आए हो आप? बिलासपुर। कितना उत्साह है छठ पूजा को लेकर? बहुत ज्यादा। कब से तैयारी कर रहे हैं? कब से तैयारी कर रहे हैं आप लोग पूजा की? नहीं हो रहा है, 5 तारीख से तैयारी चल रही है पूजा की। 5 तारीख को खरना रहता है, लौकी चावल खाते। कब से पूजा की तैयारी चल रही है भैया? पूजा की तैयारी कब से चल रही है? ये तो करीब 3-4 दिन से चल रहा है ना, 3-4 दिनों से चल रहा है। इतना क्रेज है बिलासपुर में इस पूजा को? बिलासपुर में बहुत क्रेज है। कुछ गाना वगैरह गा दीजिए छठी मैया के लिए। मारे बौरे सुगवा धनुष से सुगा गिरे मुरछाए, मर बौरे सुगवा धनुष से सुगा गिरे मुरछाए। तो ये क्रेज है छठ पर्व का, लोग जो है बड़े ही उत्साह से सूर्य देव को अर्घ देने पहुंचे हुए हैं, डूबते सूरज को अर्घ देकर वो पूजा की परंपरा को निभा रहे हैं। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं कि अरपा के इस घाट पर पैर धरने की जगह नहीं है। 7 एकड़ में फैले इस घाट पर जो है अरपा मैया अलग ही दिख रही है, अरपा मैया का रंग अलग है, रूप अलग है, और एक सुकून देने वाला जो एक उत्साह जो यहाँ पे लोगों के चेहरे पर दिख रहा है। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।